सुप्रभात बच्चों, सद विचार में पहले पाठ में शब्दों की परिभाषा और शब्दों को समझने के लिए उसका वर्गीकरण का दो बताया गया था, जिसमें पहला था रचना के आधार पर, दूसरा उत्पत्ति के आधार पर और तीसरा है प्रयोग के आधार पर। तो प्रयोग के आधार पर वर्गीकरण, प्रयोग के आधार पर शब्दों को तीन भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें पहल क है सामान्य शब्द, ख है तकनीकी शब्द और ग है अर्ध तकनीकी शब्द। अब हम बारी बारी से तीनों को देखेंगे कि सामान्य शब्द किसे कहते हैं, तकनीकी शब्द और अर्ध तकनीकी शब्द किसे कहते हैं। तो क सामान्य शब्द सामान्य शब्द हिंदी भाषी हिंदी भाषी क्षेत्रों में प्रयोग किए जाने वाले सब सामान्य शब्द कहे जाते हैं, सामान्य शब्द कहे जाते हैं, जैसे अब देखना यह है कि हिंदी भाषी क्षेत्रों में प्रयोग किए जाने वाले शब्द सामान्य शब्द कहे जाते हैं। ये जो है प्रयोग के आधार पर शब्दों को तीन भागों में विभाजित किया गया, जिसमें सामान्य शब्द पहला है, ख है तकनीकी शब्द, ग है अर्ध तकनीकी शब्द। अब सब क सामान्य शब्द हिंदी भाषी क्षेत्रों में प्रयोग किए जाने वाले शब्द सामान्य शब्द कहे जाते हैं। जैसे मकान, घर, रोटी आदि, यानी ये सब सामान्य शब्द हैं। मकान, घर, रोटी आदि ऐसे बहुत सारे शब्द जो सामान्य शब्द हैं, जिनका हिंदी भाषी क्षेत्रों में प्रयोग किया जाता है, ऐसे शब्दों को सामान्य शब्द कहते हैं। इसके बाद ख है तकनीकी शब्द, ख क्या है
तकनीकी शब्द, तकनीकी शब्द ज्ञान ज्ञान विज्ञान शिक्षा विद्या या व्यवसाय से संबंधित विशेष शब्दावली तकनीकी शब्द माने तकनीकी शब्द ज्ञान विज्ञान शिक्षा साथ विद्या या व्यवसाय से संबंधित जो शब्दावली है, विशेष शब्दावली तकनीकी शब्द कहे जाते हैं। तकनीकी शब्दावली शब्दावली कहे जाते हैं, यानी ज्ञान विज्ञान तकनीकी शब्द ज्ञान विज्ञान शिक्षा शास्त्र विद्या या व्यवसाय से संबंधित विशेष शब्दावली तकनीकी शब्दावली कहे जाते हैं। जैसे त्रिकोण, जैसे त्रिकोण पूंजी सचिव आदि, माने ये तकनीकी शब्द है। विज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में, शिक्षा में, शास्त्र में, विद्या में या व्यवसाय से संबंधित विशेष शब्दावली तकनीकी शब्दावली कहे जाते हैं। जैसे त्रिकोण, पूंजी, सचिव
आदि। ग अर्ध तकनीकी शब्द, अर्ध तकनीकी शब्द, अतकनीकी वे तकनीकी शब्द, वे तकनीकी शब्द वे तकनीकी शब्द जो आम बोलचाल में शामिल कर लिए गए हैं हैं अर्ध तकनीकी शब्द कहलाते हैं। अर्ध तकनीकी शब्द वे तकनीकी शब्द जो आम बोलचाल की भाषा में शामिल कर लिए गए हैं अर्ध तकनीकी शब्द कहलाते हैं। जैसे तकनीकी शब्द जो आम बोलचाल की भाषा में शामिल कर लिए गए हैं अर्ध तकनीकी शब्द कहलाते हैं। जैसे पुलिसिया, चुनाव, टीवी, फ्रिज आदि, ये सब शब्द जो हैं अर्ध तकनीकी शब्द है। इस प्रकार आपने देखा कि प्रयोग के आधार पर शब्दों का जो तीन भागों में विभाजन किया गया, पहला है सामान्य शब्द, दूसरा है तकनीकी शब्द और तीसरा है अर्ध तकनीकी शब्द। सामान्य शब्द हिंदी भाषी क्षेत्रों में प्रयोग किए जाने वाले शब्द सामान्य शब्द कहलाते हैं या कहे जाते हैं। जैसे मकान, घर, रोटी आदि। दूसरा ख है अतकनीकी शब्द, तो ज्ञान विज्ञान, शिक्षा, शास्त्र, विद्या या व्यवसाय से जो संबंधित विशेष शब्दावली तकनीकी शब्दावली कहे जाते हैं। जैसे त्रिकोण, पूंजी, सचिव आदि। ग है अर्ध तकनीकी शब्द वे तकनीकी शब्द जो आम बोलचाल में शामिल कर लिए गए हैं अर्ध तकनीकी शब्द कहलाते
हैं, जैसे पुलिसिया, चुनाव, टीवी, फ्रीज आदि। इसके बाद होर है अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर वर्गीकरण। तो अर्थ के आधार पर हम शब्द को दो भागों में विभाजित करते हैं। अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर शब्दों को दो वर्गों में बांटा गया है। अर्थ के आधार पर वर्गीकरण है तो अर्थ के आधार पर शब्दों को दो वर्गों में बांटा गया है, जिसमें क है सार्थक शब्द, सार्थक शब्द, और ख है निरर्थक शब्द। इससे पहले प्रयोग के आधार पर वर्ग तीन वर्गों में बांटा गया था, अब अर्थ के आधार पर शब्द को दो वर्गों में बांटा गया है। पहला है सार्थक शब्द, दूसरा है निरर्थक शब्द। तो हम दोनों को बारी बारी से देखेंगे। पहले सार्थक शब्द, सार्थक शब्द ऐसे शब्द जिनका, ऐसे शब्द जिनका कोई न कोई, जिनका कोई न कोई अर्थ कोई न कोई अर्थ निकले, सार्थक सब कहे जाते हैं। सार्थक सब ऐसे सब जिनका कोई न कोई अर्थ निकले, सार्थक शब्द कहे जाते हैं।
इसलिए कि जब तक शब्द का अर्थ नहीं निकलता है उसका कोई अस्तित्व नहीं होता है। ऐसे शब्द जिनका कोई न कोई अर्थ निकले सार्थक शब्द कहलाता है। जैसे पानी, रोटी, चाय, कपड़ा आदि सार्थक शब्द। ऐसे शब्द जिनका कोई न कोई अर्थ निकले सार्थक शब्द कहे जाते हैं। जैसे पानी, रोटी, चाय, कपड़ा आदि, ये सभी शब्द सार्थक शब्द हैं। ख है, अब हम चलते हैं दूसरे शब्द की ओर। ख निरर्थक शब्द, निरर्थक, निरर्थक शब्द। ऐसे शब्द जिनका जिनका कोई अर्थ ना निकले निरर्थक शब्द। ऐसे शब्द जिनका कोई अर्थ ना निकले निरर्थक निरर्थक कहे जाते हैं, निरर्थक शब्द कहे जाते हैं। जैसे रोटी, ओटी, चाय वाय, पानी वानी, किताब विताब, इन देखिए ऐसे शब्द जिनका कोई अर्थ ना निकले निरर्थक शब्द कहे जाते हैं। जैसे रोटी, ओटी, तो यहाँ ओटी का कोई अर्थ नहीं है। चाय वाय, वाय निरर्थक शब्द है जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता है। पानी वानी, वानी का कोई अर्थ नहीं। किताब विताब, किताब का कोई अर्थ नहीं। इन उदाहरणों में ओटी, वाय, वानी,
निरर्थक निरर्थक शब्द हैं, वैसे इसमें ध्यान देने योग्य बात यह है कि व्याकरण में जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता है, व्याकरण में उनका कोई मायने नहीं होता, लेकिन कभी कभी निरर्थक शब्द सार्थक शब्दों के साथ विशेष अर्थ में विशेष भाव को लेकर के प्रयुक्त किए जाते हैं। जैसे रोटी वोटी, तो रोटी का अर्थ तो खाने वाला चीज हुआ, रोटी का अर्थ यहाँ विशेष है, रोटी के साथ जो खाया जाता है वो। चाय वाय, चाय का अर्थ पेय पदार्थ, लेकिन वाय का अर्थ कुछ नहीं, लेकिन चाय के साथ वाय का प्रयोग किया गया, इसका मतलब है कि चाय के साथ खाने वाली चीज, बिस्कुट नमकीन वगैरह वगैरह। उसी तरह से पानी वानी है, पानी के साथ वानी का अर्थ है कि पानी पीने के साथ जो भी चीज दिया जाता है वो विशेष अर्थ के लिए वानी का प्रयोग हुआ। किताब विताब, तो किताब के साथ विताब का अर्थ होता है कि किताब कॉपी के साथ और भी जो लेखन सामग्री है वो, तो इनका प्रयोग जो है विशेष अर्थ में किया जाता है, लेकिन ऐसे निरर्थक शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता है। तो आज के लिए इतना ही, अब अगले पाठ में, धन्यवाद।